लेडीज एंड जेंटलमैन, हाउ आर वी डूइंग। आप लोग कैसे हो सारे। एंड आज की वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि अभी जो है एग्जाम्स खत्म हुए हैं काफी लोगों के एंड रिजल्ट्स आने का सीजन चल रहा है। एंड इसी से मेरे दिमाग में आइडिया आया कि एक टाइम था जब मैं भी स्टूडेंट हुआ करता था, तो क्यों ना थोड़ी मोटिवेशन के लिए और ऐसी फन के लिए आप लोगों के साथ मैं अपनी सारी क्लासेस के रिजल्ट शेयर करूँ। तो यहाँ पर मेरे पास आ चुके हैं काफी सारे डॉक्यूमेंट्स जिसके अंदर मेरे सारे रिजल्ट हैं। तो शुरू करते हैं, बट उससे पहले लाइक का बटन दबा दो, सब्सक्राइब कर दो चैनल को, और कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना कि अगर आपका रिजल्ट आ गया तो आपके कितने मार्क्स आए। बताओ, देखो, शेयर करो, कुछ नहीं होता है, हम एक छोटी सी फैमिली है, कोई किसी का मजाक नहीं उड़ाएगा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं मेरी पहली क्लास से, जो कि है मोंटेसरी। अब ये बेसिकली क्या होता है, ये वन क्लास नहीं है, ये वन क्लास से पहले दो क्लासेस होती है इधर, जो कि ऑप्शनल होती है, आपको लेने की जरूरत नहीं होती। बट तो मैंने ये ऑप्शनल क्लास ली थी एंड ये मेरी स्कूल की सबसे फर्स्ट क्लास थी। तो ये है, ये देखो मैं दिख रहा हूँ आपको, उस टाइम से मेरी ज्यादा शक्ल चेंज नहीं हुई, बस दाढ़ी आ गई। ओके, तो यहाँ पर मैं अपनी रिपोर्ट कार्ड खोलता हूँ एंड ओके, तो यहाँ पे तीन टर्म्स हैं, मतलब तीन में एग्जाम्स हुए होंगे। तो फर्स्ट एग्जाम में मेरे आए थे 50 में से 41, विच इज नॉट बैड, मतलब पहली क्लास थी मेरी जिंदगी की, तो सही है। उसके बाद सेकेंड टर्म में मेरे आए थे 150 में से 140, विच इज ऑल्सो अगेन नॉट बैड। और जो फाइनल टर्म था उसके अंदर मेरे आए थे 300 में से 280। ये देखो, तो मेरा रैंक बना था 6th। तो भाई पहली स्कूल की क्लास में 6th रैंक आना इस बड़ी बात, वो भी 2.5 साल के बच्चे के लिए, मैं 2.5 साल का था लिटरली। ओके, उसके बाद है केजी, किंडरगार्टन। ये देखो किंडरगार्टन है और इसमें हम लोग देखते हैं कि कितने मेरे मार्क्स आए। ये नेक्स्ट क्लास होती है, तो ये भी एक टाइप की वन क्लास नहीं है, बस प्रेपरेशन है। ओके, तो इसमें मेरे ओके इस बार मैंने काफी अच्छा परफॉर्म किया, नाइस, मैं इम्प्रूव हुआ भाई, हर चीज में मेरे ए प्लस आए हैं। देखो होपफुली आप लोगों को दिख रहा होगा मेरा कैमरा, डिसअपॉइंट ना कर रहा हूँ, बट हर चीज में मेरे ए प्लस आए हैं, इंग्लिश रिटन में, इंग्लिश पोएट्री में, इंग्लिश कॉन्वर्जेशन में, इंग्लिश रीडिंग में, नाइस। और यहाँ पे लिखा हुआ है प्रोमोटेड टू क्लास वन। ओके, अब मैं वन क्लास में आ चुका हूँ एंड अब यहाँ पर मेरे को पूरी प्रॉपर रिपोर्ट कार्ड मिल चुकी है। एक सेकंड, उल्टी पकड़ी है, हाँ ओके, तो इसमें वन से लेके आई गेस 5 तक के रिजल्ट्स हैं मेरे। ओके भाई, नॉस्टैल्जिया मिल रहा है काफी ज्यादा, और भाई इतनी पुरानी हो गई, ये देखो सारे मिट भी गया उसके ऊपर क्या क्या लिखा है। ओके, बट लेट्स सी। तो फर्स्ट क्लास में मेरे आए हैं 768 एंड मेरा रैंक बना 2nd। ये देखो भाई कितना अच्छा बच्चा था मैं, 2nd आया मेरा, क्या बात है भाई, क्या बात है, वो बच्चा कहाँ मर गया पता नहीं जो टॉपर होता था। इसमें भी मेरा सबसे वीक सब्जेक्ट जो था वो आई थिंक मैथ्स ही, नहीं मैथ्स में 100 में से 97, भाई क्या हो गया, फिर उसके बाद क्यों डाउनफॉल हो गया मैथ्स में मेरा, सब में मेरे 90 प्लस मार्क्स थे भाई, कितनी इम्प्रेसिव लग रही है रिपोर्ट कार्ड। ये देखो एंड इस पूरे शॉपर में मेरे मेडल्स भी हैं, ये रहा 2 क्लास का मेडल जो कि बिल्कुल बर्बाद हो चुका है, इसका वो सामने का ही गिर गया 2 क्लास में। ओके, होपफुली मैं डिसअपॉइंट ना करूं। ए अगेन 2nd, 2nd पोजीशन अगेन 2 क्लास में। ये देखो भाई 2nd, गाइस 2nd भी टेक्निकली 1st ही होती है, तो डोंट वरी, 1st ही आया था मैं। एंड इसमें भी मेरे 97 96 98 मार्क्स, मैथ्स में कितने, मैथ्स में देखने 97, भाई पता नहीं क्या हो गया उसके बाद मेरा मैथ्स में। पीपल्स एज 7 साल, 2011 में मैं 7 साल का था। ये देखो इसका मेडल मिल गया मुझे, 2nd आया था मैं 2011 में, बहुत मेडल्स हैं भाई। ये देखो भाई टॉपर होने के ये फायदे, इतने सारे मेडल्स हैं मेरे पास। ओके, अब चलते हम लोग क्लास 3 की तरफ, जो कि इसमें भी, इस पे भी 2nd। ये देखो भाई जनरेशनल रन पे था मैं, तो इसमें भी मेरे सब में मार्क्स अच्छे, मैथ्स के देखता हूँ मैं बस मैथ्स के मार्क्स देखता हूँ। ओके 94, ओके, और यहाँ पे टीचर्स ने रिमार्क्स दिए हैं, वेरी गुड कीप इट अप, देखो वेरी गुड कीप इट अप, नाइस थैंक यू मिस। ओके 4 क्लास में हम आ चुके हैं, 4 पे मैं फर्स्ट आया था, 4 में मैं फर्स्ट आया था, वेट व्हाट, ये देखो दिख रहा है फर्स्ट पोजीशन एंड क्या लिखा है इस पर टीचर ने, प्रोमोटेड टू क्लास 5, एक्सीलेंट रिजल्ट, कीप इट अप। मैथ्स पे थोड़ा सा डाउनफॉल हो गया, 82 मार्क्स आए मेरे, बट उसके अलावा मैंने सब में कवर कर लिया, 93 90 92, ओह माय गॉड। एंड फर्स्ट पोजीशन का मेडल मेरे पास है, आई हैव दैट, लुक एट दिस। और ये देखो ये रेड रिबन के साथ मिला, विच मीन्स इट इज स्पेशल, तो मैं ये पहन रहा हूँ। फर्स्ट आगे किया गया, वैसे यूट्यूबर ही बन गया। 4 क्लास हो चुकी है, अब चलते हम लोग अपनी फाइनल क्लास की तरफ, जो कि 5 इसमें, मतलब इस रिपोर्ट कार्ड में फाइनल है, और इसमें मैं आया था 2nd अगेन, तो थोड़ा सा गिर गया बट स्टिल
मार्क्स सेम ही है 1100 में से 994, बट इस बार दो बच्चे ज्यादा है क्लास में तो उन्होंने टक्कर दे दी मुझे। मैं आया हूँ सेकंड आउट ऑफ 54, दिख रहा होगा आपको बहुत ही हल्के पेन से लिखा हुआ है। ओके, इसका मेडल नहीं मिला मुझे, बट ये थी मेरा 5 तक का रिजल्ट, तो 5 तक तो मैंने काफी अच्छा परफॉर्म किया। इसके अलावा कुछ सर्टिफिकेट्स भी है मेरे पास, इस पे क्या लिखा है देखो, द सर्टिफिकेट इज अवॉर्डेड टू एशले बेंजामिन फॉर पार्टिसिपेशन इन द माई ब्राइट स्माइल ग्लोबल आर्ट कॉन्टेस्ट। पता नहीं कैसे कैसे कॉन्टेस्ट में मैं पार्ट लेता रहता था। ओ, कोलगेट की तरफ से था ये, कोलगेट की एक कॉन्टेस्ट में मैं जीता हूँ, तो इसमें भी आई थिंक मैं जीत गया हूँ कुछ, बिकॉज आर्ट्स में मेरा बहुत इंटरेस्ट है। और यहाँ पर मेरे पास है 9th और 10th का रिजल्ट, जो कि आपको वीडियो के एंड में देखने को मिलेगा, बट उससे पहले हमें 6, 7, 8 का देखना है रिजल्ट। वो मेरे पास रिपोर्ट कार्ड नहीं है अनफॉर्चुनेटली, घूम गई है, बट क्या मेडल्स में हम लोग निकाल लेंगे। ओके, तो ये रहा, ये है मेरा मेडल येलो स्ट्रिप वाला, इसमें मैं आया था 3rd, तो ये मैं 6th क्लास में 3rd आया था आई थिंक। मैं खुश नहीं था, मुझे याद है उस साल मैं बहुत ज्यादा गुस्से में था, मुझे 2nd पोजीशन ही चाहिए होती थी, चाहिए फर्स्ट होती थी, फर्स्ट आ नहीं पाता था, एक ही बार आया था फर्स्ट, तो मुझे 2nd चाहिए थी एंड मैं 3rd आ गया था, सो कंपटीशन बढ़ गया था उस साल, बट फिर भी यार इट्स अ W, क्योंकि 3rd आना भी बहुत बड़ी बात है। उसके बाद आई गेस मैंने ये आपको दिखाया है वो फैक्ट्स वाली वीडियो में, ये मेरा टाइक्वांडो का है, ये स्कूल में नहीं हुआ था, ये मैं क्लासेस लेता था अलग से, तो उसमें मैं 1st आया था। टाइक्वांडो में मैंने एक बंदे को जो है नॉकआउट कर दिया था, आई होप ही इज वेल, क्योंकि किक बहुत गंदी मारी थी उसको मैंने। 8th का मेडल मिल गया अपना, येलो कलर का है ये भी, इसमें भी 3rd आया हूँ मैं, सो अगेन आई डिसअपॉइंटेड माई सेल्फ, बट ठीक है यार, ठीक है, कोशिश की मैंने, कोशिश की, बट ये येलो मेरा फेवरेट कलर था बचपन में, तो मैं बड़ा खुश था कि येलो स्ट्रिप का भी मुझे मिला। तो अब फन एंड गेम्स खत्म हो चुके हैं, स्कूल के रिजल्ट्स एक टाइप के फिर भी जो होते हैं थोड़े लाइट वेट होते हैं, बट जो फाइनल जो एक्सट्रीम लेवल का रिजल्ट होता है वो होता है आपका इस वाले डॉक्यूमेंट में, जो कि है अच्छा नहीं है। ओके, मैं थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट दे देता हूँ आपको, तो मैंने सिर्फ 9th के एग्जाम्स दिए थे, मैट्रिक के यानी 10th के मैंने एग्जाम्स नहीं दिए थे, वो इसलिए नहीं दिए थे क्योंकि तो उस टाइम लॉकडाउन लगा था जब मैट्रिक था, तो उसमें हमें 9th के एग्जाम्स में से ही कुछ मार्क्स दे के पास कर दिया गया था। क्वेश्चन इज कि मेरे 9th एंड 10th में कितने मार्क्स आए थे, सो मेरे आए थे 850 में से 570। या क्योंकि मेरा मैट्रिक में बना था बी ग्रेड, मुझे याद है मैं बहुत रोया था। बी ग्रेड इज नॉट बैड, मतलब हमारी सोसाइटी ने इतने बड़े बड़े स्टैंडर्ड्स बना दिए हैं बच्चों को, फर्स्ट सेकंड आना है भाई, टॉप मारना है। मैं जो हूँ पूरी स्कूल में फर्स्ट सेकंड आता था, इसलिए मैं थोड़ा सा डिसअपॉइंट हुआ था कि मैं क्यों नहीं आ पाया फर्स्ट सेकंड ये बोर्ड के एग्जाम्स में, बट स्टिल बी ग्रेड इज नॉट बैड मेरी नजर में, जब मैं उसको पास्ट में देखता हूँ जाके, तो इट इज नॉट बैड। मैंने बहुत ज्यादा ओवर रिएक्ट किया था, मेरा शुरू से ये कि मेरे पेरेंट्स जो है वो ज्यादा फोर्सफुली नहीं करते थे मुझे, मैं खुद ही अपने आप को पुश करता रहता था कि भाई ज्यादा मार्क्स लाने, ज्यादा मार्क्स लाने, ज्यादा मार्क्स लाने, मैं थोड़ा सा पागल हूँ अभी तक। ये थे मेरे सारे क्लासेस के रिजल्ट्स, आप लोग बताना कि आप लोग इम्प्रेस हुए या नहीं, मैंने आप लोगों को इम्प्रेस करने के लिए दिखाया है। आप लोग जरूर बताना कमेंट सेक्शन में, अपने किसी भी क्लास के मार्क्स बता सकते हो, कोई मेमोरी बता सकते हो स्कूल से, मुझे इन टॉपिक्स पे बात करने में बहुत ज्यादा मजा आता है। एंड बाकी आपको पता है, लाइक का बटन दबाओ, सब्सक्राइब कर दो इस चैनल को, एंड मैं तुम लोग से अगली धमाकेदार वीडियो में, तब तक के लिए पीस एंड लव, बाय बाय।